घुग्गुस नगर परिषद के लिए घुग्गुस वासियों का ध्यान अब उच्च न्यायालय के आदेश की ओर है। चंद्रपुर जिले के घुग्गुस नगर परिषद की स्थापना की अंतिम अधिसूचना जाहिर न करने के लिए और घुग्गुस नगर परिषद की स्थापना को विलंब करने जिम्मेदार कौन, इस बारे में जिलाधिकारी ने मामले में स्पष्टीकरण दे, इसीलिए उच्च मुंबई उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ में दाखिल जनहित याचिका संदर्भ में महाराष्ट्र शासन के बेड़काड़ू धोरण से 11 महीने हुए हैं। अब घुग्गुस वासियों का ध्यान उच्च न्यायालय नागपुर इनके आदेश की ओर लगा है। महाराष्ट्र शासन ने चंद्रपुर जिले में प्रलंबित घुग्गुस नगर परिषद स्थापना की अंतिम अधिसूचना काल मर्यादा में करने की जिम्मेदारी की ओर अनदेखी कर 21 अगस्त 2014 को गढ़चांदूर, 15 अगस्त 2015 चिमूर, 11 अप्रैल 2016 नागभीड़ इस नगर परिषद के स्थापना करने से नगर परिषद में समाविष्ट कई ग्राम पंचायत बर्खास्त हुए हैं। ऐसे ग्राम पंचायत के कई सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, इन्हें पदमुक्त होना पड़ेगा। घुग्गुस शहर की जनसंख्या सन 2001 के जनगणना के मुताबिक 29,545 थी। जनसंख्या बढ़ोतरी का दर 3% है, इसलिए नगर परिषद में समाविष्ट नकोड़ा, सांदूर, महातार देवी इन गांव के समूह की जनसंख्या 45,000 से भी कम नहीं। साथ ही घुग्गुस में अकृषक रोजगार का प्रतिशत 80 तो नकोड़ा में अकृषक रोजगार 100% है, जबकि घुग्गुस नगर परिषद स्थापना की उद्घोषणा 1 जून 1999 को हुई है, लेकिन अंतिम अधिसूचना निकालने संबंध महाराष्ट्र शासन को जवाब पूछने की हिम्मत कोई भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक नहीं दिखाई है, यह चर्चा का विषय है। घुग्गुस के जागरूक लोगों ने घुग्गुस नगर परिषद स्थापना संघर्ष समिति के नेतृत्व में लोकशाही मार्ग से विविध आंदोलन करने बाद सामाजिक कार्यकर्ते उक्त समिति के अध्यक्ष श्यामराव बोबड़े ने समिति ने पारित किए ठराव के मुताबिक एडवोकेट आदित्य सातपुते इनकी ओर से 4 अक्टूबर 2018 को अर्ज से उच्च न्यायालय नागपुर में 9 अक्टूबर 2018 को जनहित याचिका की नोंदनी की। इस संदर्भ में 10 अक्टूबर 2018 को नागपुर उच्च न्यायालय से महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग सचिव, जिलाधिकारी और जिला परिषद चंद्रपुर और ग्राम पंचायत सचिव घुग्गुस और नकोड़ा इन्हें 31 अक्टूबर 2018 तक नोटिस दिया है। महाराष्ट्र शासन के जिला परिषद चंद्रपुर के संबंधित अधिकारी इनकी ओर से बेड़काड़ू धोरण शुरू है। यह प्रकाश में आने से नागपुर उच्च न्यायालय के कोरम ने 22 फरवरी 2019 को फ्रेश नोटिस देकर 5 अप्रैल 2019 का जवाब मंगाया था, लेकिन शासन की ओर से विनती अर्ज देकर बढ़ाए जाने के काम किए जा रहे हैं। 16 जुलाई 2019 को प्रकरण आदेश के लिए लगे हैं, जिसके बाद 11 सितंबर 2019 और 16 सितंबर 2019 ऐसे दो तारीख हुए हैं। नगर परिषद के संदर्भ में संबंधित दोनों ही पक्षों ने न्यायालय में सहकार्य करने के उस संदर्भ में जिम्मेदारी संपन्न करते न्यायालय के समय की बचत होकर न्याय निवाड़ा करना संभव है, लेकिन अब न्यायालय के रूल्स रेगुलेशन और निर्देश के मुताबिक जनहित याचिका सम्मन आदेश हो सकता है, इसीलिए नागरिकों ने अपनी बुद्धि जागरूक रखे, ऐसी विनती घुग्गुस नगर परिषद संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्यामराव बोबड़े ने की है। लोकप्रतिनिधी आणि महाराष्ट्र शासनाचे सुद्धा दुर्लक्ष झाले आणि त्यामुळे घुग्गुस हे 20 वर्षांनं मागासलेपणा वाढलेला आहे आणि घुग्गुस नगर परिषद हे आवश्यकता यासाठी आहे की घुग्गुस नगर घुग्गुस गावाचा घुग्गुस औद्योगिक नगरी म्हणून उल्लेख आहे आणि भारतातील सर्व लोक इथे गुण्यागोविंदाने नांदत आहे आणि महाराष्ट्र नगर परिषद आणि औद्योगिक नगर 1965 कायद्याप्रमाणे हे घुग्गुस नगर परिषद आवश्यक होणे आवश्यक आहे, तरी पण ही नगर परिषद झालेली नाही, ज्यामुळे हा आमच्यावरचा अन्याय आहे।